प्रेगनेंसी में सबसे बड़ी दिक्कत क्या है? तो कंफ्यूजन। आप जैसे ही प्रेग्नेंट हो गए, सब लोग आपको सलाह देना शुरू करेंगे, ये खाइए, ये मत खाइए, पेट के बल लेटिए, कोई कहेगा पेट के बल मत लेटिए, पहले 3 महीने में एक्सरसाइज करना चाहिए, नहीं करना चाहिए, इस पे भी काफी सारे अलग अलग एडवाइस आपको मिलेंगे। अगर आप YouTube पे जाओगे तो वहां पे तो प्रेगनेंसी से रिलेटेड ढेरों वीडियो आपको वहां पे देखने के लिए मिलेंगे। गूगल पे जाओगे, गूगल पे सही और गलत दोनों इन्फॉर्मेशन ओवरलोडेड है। इतनी ज्यादा इन्फॉर्मेशन मिलने से प्रेग्नेंट लेडी कंफ्यूज हो जाएगी और ये कंफ्यूजन के स्टेट में वो कुछ गलत चीजें कर बैठेगी जो उसके अनबॉर्न बेबी के लिए सही नहीं है या अनबॉर्न बेबी डेवलपमेंट पे बुरा असर करने वाली है। इसीलिए हमारा जो गर्भ संस्कार प्रोग्राम है, इसमें सबसे पहले अवेयरनेस कोर्स दिया जाता है। दुनिया का कोई भी गर्भ संस्कार प्रोग्राम देखिए, किसी में भी आपको अवेयरनेस कोर्स नहीं मिलेगा। ये अवेयरनेस कोर्स आपको आपके कंसेप्ट क्लियर करने के लिए और आपको साइंटिफिक नॉलेज देने के लिए बनाया गया है। अवेयरनेस कोर्स के जरिए आपको पता चलेगा कि आपके गर्भ में जो शिशु पल रहा है उसकी डेवलपमेंट किस प्रकार से होती है, उसके सेंसेस कैसे काम करते हैं, उसकी डेवलपमेंट के लिए कौन सी चीजें करनी चाहिए, कौन सी चीजें नहीं करनी चाहिए, उसके ब्रेन की डेवलपमेंट कैसे होती है, वो ब्रेन डेवलपमेंट इन्हांस होने के लिए आप क्या क्या कर सकते हो, प्रेगनेंसी के दौरान डाइट किस प्रकार से लेना चाहिए और डाइट के बेसिक प्रिंसिपल्स क्या है, योगा, मेडिटेशन, प्राणायाम, इन सब का प्रेगनेंसी में क्या रोल होता है और वो कैसे करना चाहिए, गर्भ संवाद किस प्रकार से करना चाहिए, म्यूजिक का प्रेगनेंसी में क्या रोल है, माइंड प्रोग्रामिंग किस प्रकार से होता है, ऐसे 15 टॉपिक्स अवेयरनेस कोर्स में कवर किए गए हैं, जिसमें आपको साइंटिफिक प्रैक्टिकल इंफॉर्मेशन वो भी बहुत ब्रीफ में या शॉर्ट वीडियोज के जरिए दिया गया है। ये अवेयरनेस कोर्स करने के बाद में आपको ही एक सही जानकारी मिलेगी कि कौन सी चीजें करनी चाहिए और कौन सी चीजें नहीं करनी चाहिए, जिससे हमारा और आपका दोनों का काम आसान हो जाएगा। अवेयरनेस कोर्स कंप्लीट करने के बाद में नेक्स्ट स्टेप आता है इम्प्लीमेंटेशन कोर्स का। इम्प्लीमेंटेशन कोर्स में हम आपको डेली अफर्मेशंस देते हैं जो पॉजिटिव थिंकिंग डेवलप करता है और आपको इम्पावर और मोटिवेट करने के लिए हेल्प करता है। उसके बाद में आता है प्रेयर दिया जाता है आपको, कुछ सिलेक्टेड रीडिंग मटेरियल, स्टोरीज, ब्रेन डेवलपमेंट एक्टिविटीज, गर्भ संवाद, मेडिटेशन, कुछ ग्रुप टास्क, ऐसी अलग अलग चीजें इम्प्लीमेंटेशन कोर्स में आएगी जो आपको हर वीक दी जाएगी। आपको वो सब काम कंप्लीट करके सबमिट करना होता है। इम्प्लीमेंटेशन कोर्स डिलीवरी होने तक शुरू रहता है। इम्प्लीमेंटेशन कोर्स शुरू होने के 2 वीक्स बाद हम लोग ग्रेटिट्यूड कोर्स देते हैं। ग्रेटिट्यूड कोर्स आपको आपके लाइफ में क्या है इस पे फोकस करना सिखाता है। हम हमेशा क्या करते हैं कि हमारे पास क्या नहीं है उसके पीछे दौड़ते रहते हैं और भगवान ने हमको क्या दिया है उसे हम टेकन फॉर ग्रांटेड करते हैं। तो ग्रेटिट्यूड कोर्स आपको एक एटीट्यूड डेवलप करने में हेल्प करेगा, ग्रेटिट्यूड का, ब्लेसिंग्स का एटीट्यूड, जो आपके बेबी के पॉजिटिव डेवलपमेंट के लिए बहुत ही हेल्पफुल होगा। ग्रेटिट्यूड कोर्स शुरू होने के 2 वीक्स के बाद में आएगा माइंड प्रोग्रामिंग, ह्यूमन माइंड किस प्रकार से काम करता है और उसे प्रोग्राम करने के लिए या मनचाही चीजें पाने के लिए उसे किस प्रकार प्रोग्राम करते हैं, ये सब माइंड प्रोग्रामिंग में सिखाया जाता है।
अल्टरनेट सैटरडे लाइव सेशंस भी होते हैं, जिसमें प्रेगनेंसी रिलेटेड या पोस्टनेटल केयर रिलेटेड टॉपिक्स होते हैं। उस टॉपिक पे इंफॉर्मेशन शेयरिंग डिस्कशन होता है और उसके साथ में ही गर्भध्यान, श्लोक, प्रेयर और कुछ इंटरेस्टिंग एक्टिविटीज भी ली जाती है। इसके सिवा हम लोग आपको प्रेगनेंसी में जो बुक्स आपने पढ़ने चाहिए वो बुक्स भी आपको प्रोवाइड किए जाते हैं। थर्ड ट्राइमेस्टर में आपने किस प्रकार से आपका रहन सहन और खान पान रखना चाहिए जिससे कि आपकी डिलीवरी नॉर्मल हो। थर्ड ट्राइमेस्टर में जो कॉम्प्लिकेशंस होते हैं, जैसे बैकएक है या फिर एसिडिटी है, बीपी बढ़ना है, ये कॉम्प्लिकेशंस आपको फेस न करना पड़े, या डिलीवरी के बाद भी जो होते हैं, हेयर फॉल होता है या फिर कॉन्स्टिपेशन होता है, बैकएक होता है, ये कोई भी कॉम्प्लिकेशंस आपको फेस न करने पड़े और आपकी डिलीवरी नॉर्मल हो। इसीलिए थर्ड ट्राइमेस्टर से ही आपको एक स्पेसिफिक शेड्यूल दिया जाता है जो आपको फॉलो करना होता है। ऐसा ये पूरा डिटेल और साइंटिफिक गर्भ संस्कार प्रोग्राम है जिसमें आयुर्वेद, बर्थ साइकोलॉजी और ग्लोबल रिसर्च, ये तीन चीजों का कॉम्बिनेशन किया गया है। ये प्रोग्राम अगर आप फॉलो करोगे तो आप एक हेल्दी, हैप्पी और इंटेलिजेंट चाइल्ड को जन्म दोगे। इतना ही नहीं बल्कि आप भी खुद स्वस्थ, सुंदर और मेंटली स्टेबल बनोगे।